और राजधानी दिल्ली में अब चुनाव महज 4 महीने दूर है। ऐसे में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी के जो तमाम नेता हैं वो पदयात्रा करने में जुटे हुए हैं। मुख्यमंत्री आतिशी खुद पदयात्रा कर रही हैं। अतुल रंजन इस पर और जानकारी दे रहे हैं। दिल्ली के चुनाव अब बस 4 महीने दूर हैं और आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेता हो, सरकार के जो बड़े मंत्री हैं, हर कोई जो है वो पदयात्रा करने के लिए जो है सड़क पर उतर आए हैं। और आज उस लिस्ट में जो है वो जो खुद मुख्यमंत्री आतिशी से शामिल हो गए हैं। आज हरिनगर विधानसभा के गांधी मार्केट पहुंची है वो, जहाँ वो जनता से मुलाकात कर रही है, जो पार्टी के जो नेता हैं, जो लोकल कार्यकर्ता हैं, उन सबसे मिल रही है और जो अरविंद केजरीवाल का जो मैसेज है वो उन तक पहुंचा रही हैं। बता दूं कि जो वो लगातार जनता से ये कह रही हैं कि पिछले 5-10 सालों में जो है किस तरह से जो है वो केजरीवाल की सरकार ने शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, हर विभाग में अच्छा काम किया है और जो है लोगों को जो है फ्री बिजली और फ्री पानी भी जो है वो मुहैया कराया है। बता दूं कि जो अरविंद केजरीवाल के इस्तीफा देने के बाद जो है आतिशी ने जो है मुख्यमंत्री पद संभाला था और उसके बाद से वो जो है लगातार अलग अलग फोरम्स में पार्टी का पक्ष जो है वो मजबूती से रख रही हैं, चाहे कांग्रेस या भाजपा के जो तमाम जो आरोप हो उन सबका जो है मुंहतोड़ जवाब दे रही है। और उसके बाद से आप देखिए कि इस तरह से एक कुछ पिछले कुछ महीनों में जो है आतिशी का किस तरह से एक उदय हुआ है, आम आदमी पार्टी हो या दिल्ली की राजनीति हो उसमें। और उसके बाद अभी आप देखिए जब चुनाव जब करीब आ गए हैं तब आतिशी खुद फ्रंट से लीड कर रही हैं आम आदमी पार्टी को, वो जमीन पर उतर आई हैं और चुनावी समर में जो है एक बार फिर से कैसे आम आदमी पार्टी और की जीत हो, अरविंद केजरीवाल फिर से कैसे मुख्यमंत्री बने, उसके लिए वो जमीन पर आई हैं और लोगों को मैसेज दे रही हैं कि तमाम जो अच्छे काम जो पिछले 5-10 सालों में जो किए गए हैं उन सबको अगर जारी रखने हैं तो ज़रूरी है कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की सरकार जो है एक बार फिर बने। अब देखना ये हो गया कि वो अपने मकसद में, अपने इरादों में कितना कामयाब हो पाती हैं। सहयोगी रोहित विश्वकर्मा के साथ अतुल रंजन, NDTV इंडिया।